सूर्य जब ऊपर तपता है तो उसकी तपत जो है वो शरीर को महसूस होती कि नहीं? तो वो साकार है या बिंदी है? वो सूर्य साकार है या बिंदी है? सूर्य वो तो वो सूर्य साकार है या बिंदी है? बिंदी है। जब दोपहर को खूब तपता है गर्मी उन दिनों में, तो गर्मी अनुभव होती है ना, तो ऐसे ही जो बिंदी है वो ज्ञान कहाँ से कैसे लाएगी? जानकारी आपके पास कैसे लाएगी? आत्मा है निराकार, कुछ नहीं कर सकती। आत्मा जो निराकार है वो जब तक शरीर में प्रवेश न करे तब तक इस्लामियों को कैसे पता चलेगा कि हमारा इस्लाम धर्म कौन सा है? तो निराकार को साकार होना ही पड़े, निराकार और साकार से ही सृष्टि चलती है। सूर्य जिसको हम कहते हैं ज्ञान सूर्य शिव, वो कोई में प्रवेश करके ही तीसरे नेत्र के रूप में साकार बनता है, नहीं तो तीसरा नेत्र ही नहीं है। ज्ञान सागर में भी यही नियम लागू होता है। सागर जो है वो पृथ्वी से अटैच्ड है या आकाश में है? तो प्रजापिता पृथ्वी से अटैच्ड है या बिंदी पृथ्वी से अटैच्ड है? प्रजापिता अटैच्ड है। बाबा जी बता रहा मुरली में कि लेफ्ट गार्ड लेफ्ट टू गार्ड इज शंकर, लेफ्ट टू गार्ड इज शंकर, लेफ्ट टू गार्ड इज शंकर मीन कृष्ण, कृष्ण लेफ्ट टू गार्ड इज प्रजापिता। प्रजापिता एक ही पर्सनैलिटी है, लेफ्ट टू गार्ड इज जगदम्बा। नहीं नहीं, जैसे बाबा ने बताया लेफ्ट टू गार्ड इज कृष्ण, लेफ्ट टू गार्ड इज शंकर, ऐसा ही वो एक ही पर्सनैलिटी है, एक ही पर्सनैलिटी है। इसी तरह मम्मा और जगदम्बा एक ही पर्सनैलिटी है, अलग अलग है। तो मम्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, पर्सनैलिटी कैसे? पर्सनैलिटी माने व्यक्त, व्यक्तित्व, व्यक्त जो आंखों से देखने में आए, हाथों से छूने में पकड़ने में आए, उसे व्यक्त कहते हैं। पर्सनालिटी माने पर्सन है, पर्सन माने व्यक्ति है, व्यक्त है माने आंखों से देखा जाता है, हाथों से स्पर्श कर सकते हैं, इंद्रियों से अनुभव किया जा सकता है, वो व्यक्त है, वो पर्सन है। बाबा वो जो मम्मा जिसने शरीर छोड़ा वो तो गई, वो तो मुर्गे में बताया, वो तो पर्सन है ही नहीं। बाबा वो उसके बारे में बाबा ने बताया ना, वास्तव में ये तुम्हारे मम्मा बाबा नहीं है, ब्रह्मा सरस्वती, ब्रह्मा सरस्वती तुम्हारे मम्मा बाबा नहीं है। तो कौन है? तो वो मम्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। हाँ मम्मा ने भी छोड़ दिया, ब्रह्मा ने भी शरीर छोड़ दिया। अभी हम मेहमान पार्टी में मम्मा और जगदम्बा एक ही पर्सनैलिटी को मान सकते हैं या कोई दूसरे पर्सनैलिटी है? मम्मा मम्मा जगदम्बा नहीं है, जगदम्बा ही मम्मा है। जो जगदम्बा है वो सारे जगत की अम्मा नहीं है? सारे जगत की अम्मा है तो सारे जगत का पिता नहीं है कोई? जगत पिता है तो जगत की अम्मा भी है। अभी कोई दूसरी तपस्या आत्मा है उसके लिए मम्मा समान? वो जगदम्बा कहाँ है, वो तो सूर्यवंशियों की अम्मा है ना, सूर्यवंशी ही उसको माँ मानते हैं या सारा जगत उनको माँ मानता है? मानता है। सूर्यवंशी मम्मा अलग और जगदम्बा अलग है? जगत माने सब धर्मों की अम्बा, सारे धर्म वाले उसकी गोद में राज्य करते हैं, जैसे दिल्ली सब धर्मों ने राज्य किया ना उसकी गोद में, तो वो जगदम्बा है। मैं वो सूर्यवंशी वाली मम्मा और जो सारे ब्राह्मण की मम्मा अलग अलग है।
चोर डकैत भंगी चमार इनकी अम्मा अलग है या जो महागौरी कही जाती है लक्ष्मी वो उनकी अम्मा है? चोर डकैत भंगी चमार जो होते हैं ना नीच जाति जो मानी जाती है भक्ति मार्ग में, उनके घरों में लक्ष्मी की पूजा होती है या उनके घरों में काली की पूजा होती है? तो उनकी अम्मा अलग है। जैसे उनकी अम्मा अलग है वैसे जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है ब्राह्मणों में, ब्राह्मणों की नौकुरियां है ना, तो नौकुरियों में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ब्राह्मण है उनकी अम्मा अलग है। फिर कोई इस्लामी भी होंगे उन इस्लामियों की अम्मा अलग है। सूर्यवंशी की मामा अभी है जो दूसरे वंश के हैं उनको उनकी दरकार भी नहीं, जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, पूर्व जन्म का हिसाब किताब भी नहीं है उनका। रामकृष्ण वाली आत्माओं से मिलने की इच्छा कौन करेंगे? नहीं कृष्ण वाली आत्मा तो चंद्रवंशी है, चंद्रमा है। रामकृष्ण की आत्माओं से मिलने की इच्छा वो ही करेंगे जो 63 जन्म मिलते रहे होंगे। अगर 63 जन्म में मिलना जुलना नहीं हुआ है तो इस जन्म में भले ब्राह्मण बन जाए लेकिन उनकी इच्छा उसके अंदर पैदा ही नहीं हो रही। बड़ी बड़ाई बन रही अब कुछ बन रही है। मनुष्य मृत्यु होता है फिर छोड़ करके जाता है और उसके नाम में गरुड़ प्राण सुना जाता है, इससे प्राप्ति क्या हो सकता है बाबा? वो तो भक्ति मार्ग की बातें हैं ना, भक्ति मार्ग में जो भी बातें हैं वो यादगार काम की है, संगम की यादगार है। संगम युग में ऐसे अपार दुख आने वाले हैं जो गर्भ पुराण में दिखाए गए अलग अलग तरीके से। रौरव नरक अभी आया कहाँ है, खून की नदियां अभी देखी कहाँ है। पाकिस्तान जब बना था तो थोड़ा सा सैंपल दिखाया गया, वो तो शुरुआत की बात है। अभी चरम सीमा देखनी है, जो विरहणी आत्माएं हैं वो जीते जी स्वर्ग में नहीं जा सकती। कौन विरहणी आत्माएं? हाँ विरहणी आत्माएं जो विपरीत धर्म वाली है। किसके विपरीत? जो ब्रह्मा के मुख से बोला गया, ब्रह्मा के मुख से जो कुछ भी बोला गया वो किसके लिए बोला गया? खास उसको 100% फॉलो कौन करेंगे? जो फॉलो करेंगे उनके लिए बोला गया। ब्रह्मा के अंदर प्रवेश करने वाला शिव तो जानता है ना कि मैं जो बोल रहा हूँ ब्रह्मा के मुख से उसको कौन फॉलो करेगा, जानता कि नहीं? हो जाता है, फिर भी कोई उंगली ना उठाएगा, देखो हमको नहीं बताया। इसलिए ब्रह्मा के मुख से बोला तो कहाएंगे सबके लिए बोला, ईश्वरी ज्ञान सबके लिए है, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वेदवाणी सबके लिए है, कोई ये नहीं कह सकता हमारे लिए नहीं है। कोई उठाता है कोई नहीं उठाता, उठाता कौन है? जिसके 63 जन्म के संस्कार हैं रामकृष्ण की आत्माओं के साथ के निभाने के वो ही उठाते हैं, बाकी जो नहीं उठाते हैं वो दूसरे धर्म में वो दूसरों को फॉलो करेंगे। न ब्रह्मा को पहचानेंगे न प्रजापिता को पहचानेंगे। और धर्मों की बातें और धारणा और की धारणाओं को अपना लेंगे, विरोधी बन जाएंगे। विधर्मी, वि माने विपरीत, धर्मी माने धारणा वाले, चंद्रवंशियों और सूर्यवंशियों की विपरीत धारणा वाले बन जाएंगे।
विपरीत धारणा वाले बन जाएंगे तो कम कला वाले नारायण को बनेंगे या उनकी प्रजा बनेंगे। वही कमजोरी जो है वो द्वापर युग में फिर प्रत्यक्ष हो जाएगी, इमर्ज हो जाएगी। द्वापर युग में कंजर हो जाएगी, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी संगम युग में वो जीते जी स्वर्ग में जा सकते हैं या नहीं? नहीं जा सकते। जीते जी स्वर्ग में वो ही जा सकते हैं जो पूरे स्वधर्मी होंगे, एक बाप के सिवाय कोई की बात न मानने वाले होंगे। औरों की भी सुनते हैं, औरों की मत पर भी चलते हैं, बाप की बात का काट कर देते हैं, तो वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। जो सूर्यवंशी का 12 मार के हैं, हमें तो 4 की रन नहीं आएंगे बाबा। वो भी बीज हैं, अंत में जाकर के वो भी सुधर जाएंगे, क्योंकि आज में सहयोगी थे या विरोधी थे, आज में सो अंत में भी हो जाएंगे सहयोगी, बीच में सारा टाइम विरोधी बन के चलते हैं। इसलिए सारी दुनिया में जितने भी विधर्मी हैं वो उन्हीं से पैदा होते हैं। अभी में सही युग बने, बीच में विधर्मी बने और फिर अभी भी विधर्मी हैं और फिर अंत में सही युग बने, वो फिर जीते जी स्वर्ग में आएंगे। सीधी सी बात है, यज्ञ के आदि में 4 घोड़ों की गाड़ी बाबा ने बताई कि नहीं बताई? रथ में 4 घोड़े थे, वो 4 मन बुद्धि रूपी 4 सफेद घोड़े हैं ना, वो 4 सफेद घोड़े 4 बीज हैं, ब्रह्मा के 4 पुत्र हैं आदि वाले, जो पहले पहले ब्रह्मा से पैदा हुए। तो ओल्ड इज गोल्ड होता है या नहीं होता है? ओल्ड इज गोल्ड तो होता है, लेकिन कोई कारण ऐसा बन गया है जिसके आधार पर वो संपर्क में नहीं आ पा रहे। कोई अहंकार उनमें ऐसा है जो संपर्क में नहीं आने दे रहा? लास्ट में जब संपर्क में आएंगे तो बाप तो बांधा हुआ है दिल्ली वालों के लिए कि जिन दिल्ली वालों ने आदि में सहयोग का बीज दिया वो दिल्ली वाले अंत तक बाप से सहयोग लेने के लिए एलिजिबल है, योग्य है। बाबा आदि वाले तो योग्य है, बीच में आते हैं और फिर जाते फिर आते हैं, वो योग्य बनते हैं नहीं बनते हैं? वो आदि वाले तो आदि में बाबा को ऐसा ऋण लगाया जो अंत में आके अधिकार उनको मिल जाता है, अंत में आके मिल जाता है, वो भी तो देखो। आज में आए फिर धोखा दे के चले गए और लगातार धोखेबाज बन रहे हैं, अभी तक भी सहयोगी नहीं है, और लास्ट में फिर आ जाएंगे सहयोगी बन जाएंगे, राम की राजगद्दी सजेगी और एक आके चमर दिलाएगा और एक आकर के क्या नाम उनके पग धोएगा, एक छत्तर उठाएगा। इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन तीनों हो गए ना, तो आ तो जाएंगे लेकिन राजा ही पाएंगे या दासदास ही बनेंगे? आएंगे तो उन्हीं के राज्य में, यथा राजा तथा प्रजा भी, उनको भी वही स्नेह मिलेगा राम वाली आत्मा से, जो बड़े बड़े साहूकारों को मिलेगा, बड़े बड़े हौदेदारों को मिलेगा, बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं उनको मिलेगा। जैसे प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री का ड्राइवर हो उसकी कोई वैल्यू होती है और ड्राइवरों के मुकाबले? कम वैल्यू होती है, ज्यादा ही होती है? ज्यादा होती है। अंगरक्षक एक साधारण साहूकार का भी अंगरक्षक होता है और एक राष्ट्रपति का अंगरक्षक होता है, हैं तो दोनों दास। अंतर है कि नहीं? थोड़ा बहुत अंतर है कि बहुत बड़ा अंतर है? बहुत बड़ा तो फर्क पड़ जाता है। बाबा अभी बीच में एडवांस में आते हैं कौन?
कोई भी भाई बहन बता जो बीच में आते हैं फिर बीच में वो कोई दूसरी पार्टी में भी जाते हैं। इसका मतलब दूसरे को बाप बना लिया ना, फिर बार अंदर फिर आएंगे। हाँ तो इसका मतलब हुआ अनेक बाप बनाए ना, फिर वो संगमी सोचे में आएंगे। कैसे आएंगे, उन्होंने अपनी शूटिंग ही खराब कर रहे हैं, रिहर्सल खराब कर ली। बाबा दिन पीना खराब बात है, दिन पीना खराब बात है, खराब बात है। शंकर जी को मालूम भी है, मालूम भी है वो बीज क्यों पीते हैं और शिव बाबा उनको बीज पीने की छूट क्यों देते। लक्ष्य एक का होता है, एक काम एक क्या कर रहा है, सुल्ताना डाकू है वो भी डकैती कर रहा है, और आज के डाकू है वो भी डकैती कर रहे हैं। जो आज के डाकू है वो स्वार्थ के लिए डकैती कर रहे हैं, सुल्ताना डाकू भी था वो काहे के लिए डकैती करता ना, वो दूसरे के लिए। हाँ तो कुछ अंतर पड़ेगा कि नहीं, तो संगत जी दूसरे के लिए दिखते थे। दुनिया में संगत का रंग सबसे जास्ती कन्या को किससे लगता है, कन्या है, कन्या को संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? सबसे जाती संग का रंग किसके किसके द्वारा लगता है? सब पुरुषों के द्वारा है, अपने पति के द्वारा। अब वो तुम्हारे पतियों का भी पति है, कोई है कि पति की नहीं, तुम्हारे पतियों का पति कौन है? पति साकार में होता है निराकार में होता है, कौन है वो? अरे इनसे पूछने दो, वो तुम्हारा पति कौन है, पतियों का पति? अरे कोई है कि नहीं है, कौन है? इसकी क्या थी क्यों? उसको बहुत नाम बताया जाता है, वो पतियों का पति जो है उसका नाम बहुत, नाम तो ठीक काम के आधार पर पड़ जाते हैं, बहुत काम किया होगा तो बहुत नाम पड़ गए, उसका नाम बहुत, नाम के ऊपर न जाओ, नाम के ऊपर न जाओ, उसके उस काम के ऊपर जाओ जो पतियों का पति कहा जाता है। पतियों का पति बनकर के तुमको सबसे जाती संग का रंग लगाता है। पर्सनालिटी एक ही है, नाम बहुत है, कौन सा नाम बताए इसमें आगम लगे। क्यों, एक आदमी अनेक काम नहीं कर सकता? कर सकता, तो वो अनेक नाम पड़ जाते हैं, तो अनेक नाम भी बता सकते हैं, एक ही नाम बता, अनेक नाम बताओ। तो वो है धर्मी कृष्ण भी वही है, पदार्पिता भी वही है, शंकर भी वही है। बिल्कुल पर्सनालिटी एक ही है, तो शंकर क्यों पैदा हो गई? कल्याण के लिए वो संकल्प की स्थिति और शिव बाबा कुछ। हाँ एक होता है अपनी भविष्य पूरी करने के लिए, और एक होता है और आत्माओं का कल्याण हो, अपना नुकसान होता रहे तो कोई बात नहीं, नहीं तो एक आदमी एक औरत रखता है, दो औरतें रखता है, गाल चिपकती हो जाते हैं, चूं 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 होने लगती है। और उसको तो गिनती है तुझे, है कितनों के संपर्क संपर्क में आता है, संबंध में आता है, बहुत सारे समर्थ को नहीं दोष दुसाई, जो समर्थ है समर्थ ही पा चुका है पुरुषार्थ करके, उसको दोष नहीं लगता है। जो कमजोर है वो दो को नहीं समान पाता, ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए बाबा ने मना कर दिया क्या तुमको? मना कर दिया? मना नहीं किया बाबा, मना नहीं किया। हाँ चोरी से कैसी करने के लिए आपको मना किया? तो समझा बन सकता है दूसरा को बनाओ, लेकिन चोरी से कैसी नहीं करना, नहीं तो समाज के दंडे का जूते खाने पड़ेंगे। ये भाई ब्रह्म कुमार है ना बाबा, जब याद बैठता है ना तो इसकी नजर से ही हमें मालूम पड़ जाता है सुंदर क्या चल रहा है, और खास शीशे के सामने, शीशे के सामने चेहरा प्रत्यक्ष कर दिया क्या अंदर चल रहा है। दो चार साल मगर में, दो चार साल कहाँ, अच्छी बात है ना, वहाँ से आके तब यहाँ पर फिर इन्हीं ने फिर एडवांस में परिवर्तन किया। अच्छा फिर बस सब एडवांस में चल रहा है, सबको बना रहे हैं बस। तो वहाँ तो मधुबन पहुँच गया, यहाँ क्यों नहीं मधुबन पहुँचा? कैसा कर रहा है बाबा, है बनाएगा
बहुत कोशिश में है, मैं शंकर बनने की कोशिश में हूँ। जो बाबा ने बात मना की है क्या, शंकर बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है क्या? क्या नहीं करना है? शंकर बनने का पुरुषार्थ, शंकर का काम शंकर को करने दो, वो पुरुषार्थ है, करने की इच्छा पैदा हो रही है। नहीं ऐसी इच्छा नहीं, तो श्रीमद के बदलाव हो रहा है ना, जानने के लिए बस बाबा। अभी तक क्यों नहीं पूछा, तो अब तक रुके क्यों रहे, अंदर अंदर इतना भारी कट वाले के बैठे है। अमृत जो पिएगा वो विष भी पिएगा, जो विष पिएगा वो अमृत भी पिएगा, जो ऊंचा उठेगा वो नीचे भी गिरेगा, जो नीचे गिरेगा वो ऊंचा भी। जो बिंदु है उसका किसी के साथ हिसाब किताब है? वो तो अकर्ता है, जो अकर्ता है उसका हिसाब किताब नहीं बनता। वो अकर्ता जिसमें प्रवेश करता है उसका हिसाब किताब बनता है। हाँ जी स्वर्ग को ऊपर देहाते बात है क्या, ऊपर भौगोलिक कैलाश पर्वत को ऊपर दिखाते हैं या नीचे दिखाते हैं? क्यों ऊंची निशानी, ऊंची निशानी है। ऐसे ही दिलवाड़ा मंदिर में स्वर्ग ऊपर दिखाया है, तपस्या में नीचे बैठे हैं, तो तपस्या नीचे स्टेज वालों को ही शोभित होती है। जो नीचे स्टेज वाले हैं वो ही तपस्या करेंगे, शंकर की तपस्या में बैठे हैं। तो संपूर्ण देवता है या अपूर्ण है? अपूर्ण है तो तपस्या में बैठे हैं, यादव बैठे संपूर्ण बन जाएंगे तो न विष पीने की जरूरत रहेगी और न उनको तपस्या करने की दशा रहेगी। ऊंची स्टेज की निशानी है ऊपर और नीचे स्टेज की निशानी है पाताल लोक। जो स्वर्ग में है ना सत्ययुग कलयुग जगतयुग, स्वर्ग में नहीं है, इसी दुनिया में थे स्वर्ग, ऊंची स्टेज में थे, आखिरी की स्टेज में थे, कोई ऊपर नीचे की बात नहीं है। इशारा करने से करे तो थोड़ा इशारा तो हुआ, जैसे कोई इशारा करता है तो कुछ दे दो, तो इशारे से मांगना हुआ कि नहीं, वो भी मांगना है। ऐसे ही अगर कोई इशारे दे रहा है बार बार और इशारे पकड़ करके फिर हमने किया तो उसका हिसाब किताब बन जाएगा। कोई बार बार बोल रहा है फिर हमने किया तो बोलने वाले का हिसाब किताब कुछ कुछ बन जाएगा, आपका भाग्य कम बनेगा। आपने बिना कहे किया, बिना इशारा लिए किया तो आपका भाग्य ज्यादा बनेगा। देवताएं कैसे करते हैं? देवताएं बोलने से करते हैं कि खुद ही करते हैं, बिना कहे करे सो देवता, आप ही करें तो देवता, और कहने से करे तो मनुष्य, और कहने से भी न करे अच्छा काम। बाबा पीछे वाले पूछते हैं कि दादा लेखा ब्रह्मा गृहस्थी थे, वो सोचते हमारे बाबा दादा लेखा ब्रह्मा मेरा बाबा है, तो पूछते हमें कि तुम्हारा बाबा गृहस्थी है या कुमार है? हमारा बेहद का गृहस्थी है, मुरलियों में बोला है कि शिव बाबा है बेहद का गृहस्थी। जो हर की गृहस्थी होते हैं उनको तो थोड़े बच्चे होते हैं, थोड़ी पत्नियां होती हैं, एक दो पत्नियां होती हैं, और शिव बाबा तो पतियों का भी ढेर सारी पत्नी है, 700 में गाई हुई है, 16,000 पत्नियां, उनके ढेर के ढेर बच्चे। लौकिक में तो गृहस्थी नहीं थे,
जो अभी जो प्रजापिता की पाठधारी है लौकिक जीवन में तो गृहस्थी नहीं सिखाई। अरे बचपन से कोई गृहस्थी होता है क्या? आज की दुनिया में जो पैदा होता है वो बचपन में कुमार होता है, ये गृहस्थी बन के पैदा होता है। क्या होता है बाबा? उन लोगों की बात छोड़ो, तुम अपनी बात पूछो। नाम क्यों लगते हैं तुम्हारे अंदर जो चल रहा है तो पूछो। उन लोगों के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। मैं वो पूछते हैं कि तुम्हारा बाबा, तुम धीरेन्द्र दीक्षित को बाबा बोलते हैं तो वो कमला देवी दीक्षित के वो उनके नाम पर दीक्षित टाइटल क्यों दिया है? उनके नाम से उनके ऊपर भी दीक्षित टाइटल क्यों दिया? दीक्षित टाइटल तो दूर की बात हो गई, उनको तो जगदम्बा का टाइटल दे दिया। नहीं, जगदम्बा का टाइटल तो जगदपिता कौन? उनसे जो नित्या पत्र लिखाया जाता है उसमें जगत पिता और जगदम्बा लिखा गया, तो जिन दोनों का नाम जगत पिता जगदम्बा लिखा गया तो संबंध भी साबित हो जाता है। बाबा ने बोला ना कि जब सन्यासी होते हैं तो उनका भी नाम बदला जाता है ना, तो ऐसे ही यहाँ भी नाम बदल दिए जाते हैं। क्या भगवान के बन जाते हैं तो उनका नाम भी बदल दिया जाता है। पूछा पुत्र करेंगे तभी बदलाव होगा, मरेंगे दुनिया से तो बदलाव आएगा, मरेंगे तो नया जन्म कैसे मिलेगा, नया नाम कैसे मिलेगा? बाबा भक्ति मार्ग में जो बड़े बड़े साहूकार है उन लोग हॉस्पिटल बना देते हैं, स्कूल बना देते हैं, धर्मशाला बना देते हैं। अच्छा, तो उन लोग को इसका प्रतिफल अगले दिन मिले। अच्छा बाबा, जो हम लोग जो अभी एडवांस ज्ञान में जो आए हैं बाबा का, मतलब जो बने हैं बाबा का मुरली सुनते हैं, बाबा का श्रीमत में जो चलते हैं, अच्छा क्या बोलते हैं पवित्र रहते हैं, तो ये छोड़ के अगर कोई साहूकार पवित्र भी नहीं रहे, मुरली भी न सुने, बाबा का श्रीमत भी न चले, खाली गुप्त दान करे, हाँ गुप्त दान, उसका फल क्या होगा बाबा? एक आदमी पूछ रहा जो श्रीमत पर नहीं चलता है, न चलने वाले का अगर आता है यज्ञ में तो वो नरक बनाएगा कि स्वर्ग बनाएगा? नरक ही बनाएगा, उस पैसे से नरक तैयार होगा, स्वर्ग तैयार नहीं होगा। उसको विज्ञान तो कुछ पता ही नहीं है बस। हाँ जी, पता होता तो फालू पड़ता ना बाबा। आदि में जो तिरुमूर्ति जीवित आत्मा थे ना, उसमें दादा ने कहा ध्रुव बाबा के लौकिक बहन एक बोलती लौकिक बहन थी, वो छोटी माता थी, बड़ी माता थी। बोलते हैं जी, उसकी रिसर्च की जाए जी, मूलियों में तो ऐसा कुछ आया नहीं है कि वो बहन थी, वो बहनोई था या नहीं था। प्रूफ मिले तो पक्की बात कही जाए। क्या पर वो राधा माता जो गीता माता में छोटी माँ और बड़ी माँ बोलते है, वो हर के हिसाब से बोलते हैं, लौकिक हिसाब से बोलते हैं या ज्ञान के हिसाब से छोटी बड़ी? छोटा काम करे तो छोटी माँ, और बड़ा काम करे तो बड़ी माँ। ईश्वरीय ज्ञान को कोई पहले पहले उठाए और कोई बाद में उठाए, तो बड़ा कौन और छोटा कौन? तो एक माता वो भारत माता की होती है, एक दुर्गम्बा की। हाँ हाँ, तो उनमें बड़ा कौन छोटा कौन? ईश्वर का ज्ञान लेना अच्छी बात है, बड़ी बात है ये, छोटी बात है? बड़ी, बड़ी बात है। ईश्वर का जो बच्चा पहले बने वो बड़ा हुआ, ईश्वर का बच्चा बाद में बने तो छोटा हुआ। छोटी माँ और बड़ी माँ कर दी है। और वो छोटी माँ बड़ी माँ में बाबा गीता माता और राधे बच्ची में कौन जगदम्बा बनी और कौन भारत माता बनी? गीता माता भी दो हैं। हाँ जी, एक है मनुष्यों की बनाई हुई गीता, उससे बनता है नरक, और एक है भगवान की बनाई हुई गीता, उससे बनता है स्वर्ग। भगवान की बनाई हुई गीता पवित्र बनती है या अपवित्र बनती है? पवित्र बनेगी। पवित्र गीता से पवित्र दुनिया की स्थापना होती है। मनुष्य अपवित्र हैं या पवित्र हैं? अपवित्र। मनुष्य जो गीता को बनाएंगे
अपर सेशन में अंडर सेशन में शूटिंग यहाँ हो रही है। तो मनुष्य की बनाई हुई गीता कौन साबित होती है? मनुष्य की बनाई हुई गीता है वो जिसे जगदम्बा कहा जाता है, और भगवान की बनाई हुई गीता वो है जिसे भारत माता कहा जाता है। दो माताएं हैं खास, एक कन्याकुमारी, क्या आज में भी कन्या थी और अंत में भी कन्या ही बन करके रहती है, व्यभिचारिणी नहीं बनती। और दूसरी, पहले कन्या थी, भगवान की बनती है तो भी कन्या ही रहती है, लेकिन बीच में क्या होता है, कुछ न कुछ थोड़ी सी बेवफाई आ जाती है तो आधा कुमारी बन जाती है। इस हिसाब से वो छोटी बन जाती है। तो जो अधर कुमारी बन जाती है वो बिलर्मियों की भी अम्बा बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी, वो जगत की अम्बा होगी, क्योंकि जगत में तो बिलर्मी भी आते हैं तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी भी आते हैं, तो वो जगत अम्बा ही बड़ी मम्मा साबित होती है। बड़ी मम्मा साबित तो क्यों, पहले पैदा कौन, पहले असुर पैदा होते हैं कि पहले देवता पैदा होते हैं? कौन पैदा होते हैं? हाँ, पहले दैत्य पैदा होते हैं, बाद में देवता। देवता छोटे थे और दैत्य बड़े थे। बड़े में ज्यादा ताकत होती है, छोटे में ज्यादा ताकत होती है? तो दैत्यों में ज्यादा ताकत होती है। भगवान अगर देवताओं का सहयोगी न बने, छोटे भाइयों का, तो देवताएं कभी भी जीत नहीं पा सकते। अरे शास्त्रों में सारी बातें हैं, लेकिन समझने का थोड़ा मादा जो भगवान सिखाता है वो मादा नहीं आया, इसलिए ब्रह्मा कुमारी शास्त्रों को झूठा कहती है। एडवांस ज्ञान शास्त्रों को भी सत्य कहता है। शास्त्रों की बातों को समझने का मादा होना चाहिए। गंगा के पास वो भारत माता से कब कर सकते हैं? गंगा के किनारे गृहस्थी जाकर के चौकड़ी मार के बैठते हैं या सन्यासी चौकड़ी मार करके बैठते हैं? भीष्म पितामह सन्यासी थे या गृहस्थी थे? तो गंगा के बच्चे सन्यासी होते हैं या गृहस्थी होते हैं? तो गंगा सन्यासियों की अम्मा है पहले पहले, गृहस्थी की अम्मा है। तो गंगा कहाँ और लक्ष्मी कहाँ? लक्ष्मी गृहस्थ मार्ग वाली पक्की साबित होती है। वो महारानी, वो पटरानी साबित होती है। गंगा पटरानी ओके। जो पटाजी बनते हैं उसके जेल में रखा है। क्या रखा? गंगा जी जेल में उनमें देखा है। जो ज्यादा सर्विस करेगी तो ज्यादा प्यारी नहीं लगेगी? हमेशा घर पे रखते हैं कि नीचे उतार देते हैं? उतार देते। जब अच्छा सर्विस करे तो सर के ऊपर है। जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको बाप प्यार में आके क्या करते हैं? सर पे चढ़ा देते हैं, कहते हैं एक तो सर पे चढ़ाया हुआ है, ऐसा अच्छा काम करके दिखाओ तो उनको सर पे चढ़ा लेंगे। तो गंगा बाद में मैली हो जाती है इसलिए नीचे उतार देते। बावन साल मैली हो जाए गंगा से? बाबा ने कहा तुम सन्यासी बन जाओ? नहीं, वो बाबा ने तो नहीं, बाबा ने कहा सन्यासी क्यों बन गई? गंगा को पहले पहले सबसे पहले गंगा को एडवांस ज्ञान मिलता है। सबसे पहले बेसिक नॉलेज गंगा वाली आत्मा उठाती है, चाहे वो बेसिक की गंगा हो और चाहे वो एडवांस की गंगा हो, पहले पहले वो उठाती है। लेकिन थोड़ा समय उठाती है फिर सन्यासी बन जाती है। तो निभाया
बाबा गुजरात की जो ब्रह्मा बाबा बुलाते थे भोज में वो नहीं जाती थी नहीं जाती तो नहीं जाने के कारण उनका भाग्य कम हो गया क्या जब जब यज्ञ में है बाबा का खाना बाबा का पहनना बाबा के यहाँ सोना बाबा के घर में रहना सब कुछ बाबा कर रहा है जगदीश भाई तो नहीं कर रहा था नहीं। है? लेकिन जगदीश भाई के साथ थम चली गई कमला नगर सेंटर में अब ब्रह्मा बाबा बुलाते रहते थे उनके पास नहीं जाती थी तो ये ठीक बात है या गलत बात हो गई गलत बात है ना इसी कारण उनकी कर्म की ऐसी गति बनी हाँ जी वैसा कर्म वैसा कर्म जगदीश भाई लिटरेचर के बड़े मान मर्तबा पाने वाले बन गए तो लिटरेचर कौन से धर्म में ज्यादा छपाते हैं आर्य समाज ज्यादा छपाते हैं जगदीश भाई आर्य समाज बने तो उनके संग के रंग थे वो भी क्या बन गए मुरली में बोला बाबा ने कब तक दया करोगे आप काली का रूप दिखाओ 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 ना तभी मैंने बीके वालों को इतने नचो मोहा भी तो बनो हैं बानेली माता है उनके पति रोज पिटाई कर रहे हैं रोज खून खराब कर देते हैं शराब पीते हैं गालियां देते हैं बाबा ने तो मुर्गी को कह दिया महाकाली का रूप धारण करो फिर क्या करें बाबा पुलिस में जाओ रिपोर्ट करो हॉस्पिटल में पुलिस को ले जाओ वहां अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाओ FIR और मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के जिस आश्रम में जाकर सेवा करो पति तुम्हारे पीछे नहीं कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा पीछे पीछे आएगा भी तो पुलिस रिपोर्ट कर सकती है ये हमको पिटाई करता है जानवरों की तरह ये देखो ये प्रूफ है भाग जाएगा तो माँ का ही रूप ना लेकिन होता क्या है वो आ जाता है मेरा ही तो पति है मेरे को सुख दिया है ना तो सुख याद आ जाता है बाबा जिसके बच्चे हुए बच्चों के लिए जबरदस्ती ऐसे रुकना पड़ता है जब पति के ऊपर मोहा भी ना हो तो भी तो बैठना पड़ता है बच्चे बाप के होते हैं कि अम्मा के होते हैं जिम्मेवार कौन है बाप जिम्मेवार कहते हैं लड़कियां को छोड़ो भी मत तो लड़कियां हैं जो ज्ञान में नहीं चलती है फिर माता है ज्ञान चलते घर वो तुम्हारी गलती की शुरुआत से तुमने ऐसे संस्कार डाले हैं कि खुद समझते आश्रम में चली जाती थी बच्चियों को घर में छोड़ देती थी बच्चों ने छोटे पद से संस्कार डालोगे तो पड़ेंगे खुद स्वर्ग में जाना बच्चे बिगड़ते रहे चाहे जैसे स्वर्ग में आ जाए तो काम खराब हो जाएगा ना बच्चों का भाग्य माँ बाप बनाने वाले होते हैं बचपन से ही उनके ऊपर ऐसा नियंत्रण रखा जाए ऐसे संग के रंग में ना आने दिया जाए बाबा की वाणी को फॉलो करें डाबली पढ़ाई नहीं पढ़ानी है कन्याओं को अगर डाकली पढ़ाई बाहर की दुनिया की नहीं पढ़ाई जाएगी तो माँ की पढ़ाई पड़ेगी कि बाहर वालों की पढ़ाई पड़ेगी किसकी पढ़ाई पड़ेगी माँ की पढ़ाई पड़ेगी ये ऐसा नहीं किया बाबा जल्दी में फिर लेकिन मैं वापस आती नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं ये पीपल के पत्ते की नैया है क्या 100 साल चक्र कन्हैया की आत्मा ब्रह्मा 100 साल पूरा होता है सौ शताब्दी में तो वो कृष्ण कन्हैया बन जाता है पीपल के पत्ते पर आता है गर्व महल के रूप में तो पीपल का पत्ता कौन है जो थोड़ी सी हवा का झोंका आता है यूं 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 हिलता है डोलता है और वो जनता फिर यज्ञ में वापस आने के बाद फिर बाबा को पलंग लगाती है जो बाबा क्यों करते हैं तुम्हें क्या बुद्धि बता रही शंकर जी के छाती पर पांव रखती है वो क्यों नहीं करते हैं तुम्हें क्या दर्द होता है हमारे बाबा को सर कलंक क्यों लगाती है तुम्हारे बाबा उसके कुछ नहीं लगते हैं
उसके कुछ नहीं लगते हैं। वो अपना कर्म करेगी कि नहीं करेगी? वो ब्रह्मा कुमारियों की अम्मा है कि नहीं? शंकर या राम वाली आत्मा ब्रह्मा कुमारियों का बाप है, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ, तो वो अम्मा है कि नहीं? जब अम्मा है तो ब्रह्मा कुमारियों से ज्यादा ग्लानी करके दिखाए या थोड़ी ग्लानी करे? तभी तो अम्मा साबित होगी। तो वो तो कलंक लगाती, आर्टिफिशियल कलंक लगाती, रियल देखने में आता है। वो तो तुमको बता दिया कि शिव के मंदिर में जाते हैं तो नारियल फोड़ते हैं, नारियल चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? तीन नेत्रों वाला क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि वो नारियल है, रियल पार्ट नहीं बजाता है वो, जो तुम्हारी बुद्धि में भरा हुआ है ना कचरा, वो निकालना पड़ेगा ना। तो निकालो ना, इतना ज्ञान लेते लेते तुम्हें वर्षों बीत गए, अब तुम बोल रहे हो, अभी तक दबा के क्यों रखा? नहीं पूछने के बाद नहीं था, उनको सेवा क्या करेंगे? जिसके अंदर बुखार भरा हुआ है वो सेवा करेगा या डिस्टर्बेंस करेगा? बाबा पूछते पूछते टाइम पूरा हो गया, तैयार हो गया, अब क्लास खत्म हो गया, पूछने के बाद बैठे बैठे किसी की देखो वाला आप भगा रहे थे बाबा है, बाबा जानते हैं जो अपकारी है, मनसा से भी अपकार करते रहते हैं, वाचा से भी अपकार करते हैं, दृष्टि भी जब लेते हैं तो दृष्टि से भी अपकार करने वाले हैं, उन पर मैं अपकारियों पर भी क्या करता हूँ? उपकार करता हूँ। दुनिया के मनुष्य तो डर जाते हैं, क्या ये अपकारी आ गया, क्या निंदा करने वाला आ गया, दूर भागो। लेकिन बाबा, बाबा नहीं करते हैं। बाबा के जो अच्छे अच्छे फॉलोअर्स हुए हैं जैसे कबीरदास, वो भी क्या कहते हैं? निंदक निंदक नियरे राखिए, जो कमर में सांप, बगल में सांप, गले में सांप, सर के ऊपर सांप, ये सांप निंदा करने वाले हैं या प्यार करने वाले हैं? सब निंदक हैं, ये बिच्छू टिंडन है, बिच्छू टिंडन। रुद्रमाला के क्या है ये सब? वो शिव के बाद में दिखाते हैं, मिल जाए ना फूल, क्या किया बोलो ना आगे। अरे वो बरियात में दिखाते हैं बाबा, वो क्या दूधे लंगड़े टिंगड़े पिंगड़े सब शिव के बाद में चलते हैं। ज्यादातर देखा होगा जो लूले लंगड़े होते हैं ना, उनके संग में रह करके देखो थोड़े दिन, तो तुम्हें पता चलेगा कि लूले लंगड़े ज्यादा हरामी होते हैं कि जो सालिम होते हैं, शकल सूरत अच्छी होती है, शरीर के अच्छे होते हैं, वो ज्यादा अच्छे होते हैं। तो लूले लंगड़ों का स्वभाव संस्कार बहुत खराब होता है। हाँ बाबा, हाँ शिवरात्रि में जो गंगा सागर जाते हैं ना, लाखों आदमी वहाँ पर जाके स्नान करते हैं, उसमें नहा के क्या फल मिलता है? उसमें स्नान करने से क्या फल मिलता है? मकर संक्रांति के बाद पूछ रहे हैं बाबा, हाँ मकर संक्रांति की अंति होती है तो गंगा में जाकर के स्नान करते हैं, वो स्नान करने वाले भगत हैं, रावण के फॉलोअर हैं या राम के फॉलोअर हैं? किसके फॉलोअर हैं? राम के फॉलोअर हो गए उधर। अरे भक्ति कहाँ से आती है, रावण से आती है या राम से आती है? राम से आती है, ऐसे राम से भक्ति आती है। बाबा एग्जाम में आके बैठ जाएंगे, बोली दो सुनते हैं, झूठ बोल दिया, झूठ बोले कौआ खाते। हाँ रोज मुरली सुनेगा तो ये कभी नहीं कहेगा, जैसे तुम बोल रहे मकर संक्रांति नहीं जोर का, जो मकर संक्रांति हो या कोई संक्रांति हो, भक्ति मार्ग में जितने भी तीज त्योहार मनाए जाते हैं, ठठाकर्म किए जाते हैं, क्रियाकर्म किए जाते हैं, वो सब रावण से आते हैं, रावण से
सिखाता है या भगवान राम सिखाता है? रावण सिखाता है। तो उसका अंजाम क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा? बुरा। नीचे गिरते जाते, सारी दुनिया नीचे गिरती जा रही। अब की बात है, संगम युग में बाप आया हुआ है, ज्ञान की गंगा बहाता है। बाप पूरब में आता है या पश्चिम में आता है? पूरब में आता है। इस रथ को कहां से पकड़ा? पूरी बंगाल से पकड़ा। तो जहां बाप आता है वहीं ज्ञान गंगा का यादगार है, वहीं गंगा सागर है। उस गंगा सागर में अंत में जाकर के जो मेला करेंगे, भगवान के साथ मिलन मेला मनाएंगे, अंत मते सो गति हो जाएगी। उस गंगा सागर का यादगार भक्ति मार्ग में मनाते हैं। वो स्थूल सागर है, स्थूल गंगा है, और ये चैतन्य सागर है और चैतन्य गंगा है। इस मेले से कल्याण होता है और भक्ति मार्ग के मेले से अकल्याण होता है, मैला होता है, मैला। कितने लोग ढेर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, कितनी गंद और छींकी वहां इकट्ठी हो जाती है, बदबू ही बदबू चारों तरफ। बाबा विद्रुप अवस्था का अनुभूति कैसे करे बाबा? अद्वैत मुरली में बाबा कहते हैं ना, अद्वैत मुरली में बच्चे विद्रुप अवस्था का अनुभूति करो, अद्वैत मुरली में आते हैं वो जाते हैं, इसका अनुभूति हम कैसे करे बाबा? माने आप बीज है या स्टार नहीं है? स्टार तो है, यहाँ स्टार है ना, तो कैसे की क्या बात है, याद करो, बुद्धि भाग जाए फिर याद करो, फिर बुद्धि भाग जाए फिर याद करो। बार बार भागे, बार बार याद करो, तो हमेशा अनुभूति होना चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे तभी अनुभूति होगी ना, कहने से तो नहीं हो जाएगा। जो करे सो पाए। और सारे पंच में वही अवस्था है बाबा? हाँ, तो बस याद करने की तो बात है, यहाँ करना क्या है? मुख्य क्या करने के लिए बताया? याद करने के लिए बताया। अपनी आत्मा को याद करो, बाप को याद करो। बाबा हाँ, वो इंग्लिश लोग प्रवेश करते हैं ना, हाँ, तो प्रवेश करने के बाद मालूम पड़ता है कि ये दूसरी आत्मा प्रवेश करके मेरे को ऐसा असर कर रही है, ये कोई लक्षण दिखता है? देखने वालों को पता नहीं चलता है, देखने वालों कि जैसे ये पहले बोलता था, जैसे काम करता था, वैसे काम अब नहीं कर रहा है? लेकिन खुद को अनुभव होता ही नहीं हो रहा है। पावरफुल आत्मा होगी तो थोड़ा थोड़ा अनुभव भी होगा, कमजोर आत्मा होगी वो तो खट से चढ़ जाएगी, मसकने भी नहीं देगी। तो उसको फील होते समय वो जो काम होता है उसके द्वारा, हाँ, तो जो पहले वाले आत्मा पावरफुल आत्मा है वो अनुभव कर सकती है कि मेरे अंदर सोल का प्रवेश हो रहा है, चाहे तो अपोजिशन भी करे आत्मिक स्मृति में रह करके। नहीं अपोजिशन करती है, नहीं प्रैक्टिस करती है, तो उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा, तो सवार हो जाएगी, उसको मालूम भी नहीं पड़ सकता। हाँ, नहीं मालूम पड़ता, पूरा ही कब्जे में कर लेगी, सारी इंद्रियां बन कब्जे में कर लेगी, उन इंद्रियों से अपने तरीके से काम कराएगी, और जो उसमें पहले वाली आत्मा थी वो जो काम होता है वो मर्द हो जाती, उसके द्वारा जो काम होता है भूत काल के ऐसा अपने आप किया ऐसा अनुभव होता है या दूसरे के द्वारा किया अनुभव होता है? अनुभव उसको होगा जो चैतन्य अवस्था में हो। हाँ, जब वो चैतन्य अवस्था में ही नहीं रहा, उसके ऊपर पूरा ही कब्जा कर लिया, हाँ, तो अनुभव कहाँ से होगा? वो आत्मा जब चोरी करती है, हाँ, तो चोरी करने के बाद उसको फील होता है, वो फील आत्मा करती है पहले वाली आत्मा करती है? फील तब होगा जब वो थोड़ी लड़ाई लड़ेगी, हाँ, प्रवेश करने वाली आत्मा से, हाँ, लड़ाई नहीं लड़ेगी तो फील ही नहीं होगा। हाँ, किसी ने हमला किया और बस ढेर हो गए। तो हिस्सा किसके ऊपर चल रहा है? देहधारी के ऊपर है, ब्रह्मा की सोल है। ज्ञान को समझती है गहराई से या नहीं समझती? नहीं समझती।
तो जो नहीं समझती है वो आप जो कर्म कर रही है उसका पाप पुण्य कृष्ण वाली आत्मा के ऊपर जाएगा या राम वाली आत्मा के ऊपर जाएगा? राम वाली आत्मा के ऊपर जाएगा। क्यों बाबा योटा ये गलती करे दूसरे के ऊपर वो और करे अपराध को और पाओ पर वो यही नियम है कलयुग का। दूसरा उसका फल भोगे है, ये कलयुग का नियम है। ऐसे हिसाब किताब बांधे हैं पहले। हाँ जी बाबा, जैसा मैं गलती करूँ और दूसरा भोगे, ये गलत बात है सही बात है? पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब नहीं है तो बस खत्म बात हो जाती है। जैसे कि मानो मैं गलती करूंगा मेरा युगल उसका दंड भोग है। वो युगल कैसे भोग? तुम गलती करोगे तुम भोगोगे, तुम्हारी गल युगल गलती करेगी युगल भोगेगी। याद करते समय में परम पिता परमात्मा गीता ज्ञान दाता 32 जुड़ा है बाबा, इसका याद स्मरण में लेते हैं। इससे अभी आज सुना है कि उसका याद करने या नहीं करने में फर्क नहीं पड़ता है, ये क्या हो सकता है बाबा? हम तो उसका याद करते हैं 32 जो 32 है ज्योतिबिंद मिला था, याद करते हैं जिसको, जिसके गुणों को याद करते हैं वो साकार है या बिंदी है? साकार बिंदी है ना। तुम कह देते बिंदी तो बोल देते बिंदी है, तुम कहते हो साकार है तो कह देते साकार है, वो दोनों ही बातें बोल रहे हैं। देखो ध्यान से देख लो साकार है कि बिंदी है? 32 गुण तो निराकार है ना वो, बता बच्चे तो निराकार है ना वो, निराकार चित्र दिखाए हुए हैं, बेसिक में दिखाए हुए चित्र, जो बेसिक में जो कुछ भी मुरलियाँ चली हैं वो बेसिक में ही चली है ना, उनको समझा है वो पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं तुमने समझा है बिंदी को याद करना। हाँ बेसिक में जो चित्र बने हैं और बेसिक में जो भी वाणी चली है मुरली चली है उन चित्रों को अथवा उन मुरलियों को तुमने समझा है? नहीं अभी एडवांस में आ गए तो समझा है। समझा है तो अभी ये पूछ रहे हैं जी, अभी इनका समाधान करो। तो वो बोल रहे ये पूछ रहे हैं कि भगवान के जो 32 गुण हैं वो उनका कहना है कि वो बिंदी निराकार के हैं है? तो ये सही बात है या गलत बात है? गुण साकार के होना चाहिए ना बाबा। गुण अवगुण साकार में होते हैं निराकार में होते हैं? साकार में जो निराकार है वो निर्गुण है या गुण अवगुण वाला है? वो तो निर्गुण है, उसमें ना अच्छे गुण है ना बुरे गुण है। वो जो साकार में प्रवेश करता है लिंग में, जिसको लिंग कहा जाता है वो बड़ा रूप है, बिंदी तो निराकार छोटी सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, वो लिंग में प्रवेश करता है। लिंग क्यों दिखाया गया? हाथ पांव क्यों नहीं दिखाए गए? क्योंकि जब वो याद में रहता है तो हाथ पांव की स्मृति खत्म हो जाती है। सुनते हुए जैसे कि नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना, या कोई भी इंद्रिय से कर्म करता है लेकिन करते हुए भी जैसे नहीं किया। कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए भी नहीं करेगा तो कर्म इंद्रियां प्रभावित होंगी? होंगी नहीं, नहीं होंगी। जब कर्म इंद्रियां प्रभावित ही नहीं होंगी तो पाप कर्म या पुण्य कर्म बनेगा? नहीं बनेगा। अरे नहीं बने, माता है जल्दी जल्दी बोल रही है भाई लोग तो क्या माता है कि संख्या बेची है बड़ा
बांधेली माताओं के लिए खास समझाते हो कि पुरुष जबरदस्ती करता है तो तुम मुर्दा हो जाओ, बाप की याद में ऊपर उड़ जाओ। जब स्मृति को ही ऊपर उड़ा दोगे, शरीर को मुर्दा बना दिया, तो मुर्दे से कोई कब तक प्यार करेगा? करेगा एक बार, दो बार, दस बार, बीस बार, आखिर सीमा होगी कि नहीं? घृणा आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी, घृणा आएगी। तो माता है वो इससे जल्दी पकड़ लेती है। माताओं के सर पर ताज दिया है, तुम स्वर्ग के गेट खोलो। भाई लोग समझो ससुर क्या चक्कर है, भाई लोग समझ में ही नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिकल करेंगे कैसे? बोला भाई ये मल रहे हैं माथे को, कुछ हल्का हो जाए समझ में तो आता नहीं। बाबा साकार में निराकार को याद करो। अरे उनकी बात तो हल हो गई कि नहीं? हल हो गई कि नहीं? हमारा प्रश्न नहीं था, नहीं इनका 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 जो 32 गुण हैं जो तुम याद करते हो वो किसके हैं? बिंदी के हैं या वो लिंग के हैं जो अपनी कर्मेंद्रियों को भूल जाता है, ऐसी याद में स्थिर हो जाता है? लिंग है। हाँ, लिंग वो साकार है, साकार व्यक्ति है या सिर्फ बिंदी है? वो साकार है, साकार के ही गुण अवगुण होते हैं। और उस साकार के जो निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाता है उसके जो गुण दिखाए गए हैं 32 गुण, वो गुण देवताओं के गुणों से भिन्न हैं। कृष्ण के, नारायण के गुण अलग हैं और भगवान के गुण अलग हैं। जो भगवान के गुण हैं वो देवताओं के नहीं, जो देवताओं के हैं वो भगवान के नहीं। भगवान देवताओं के गुणों को नहीं धारण करके आता है, बोलता है मुर्दे, मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूं। क्या साधु सन्यासी है? नहीं। कि पक्का गृहस्थी है? गृहस्थी है, पक्का गृहस्थी है। साकार के स्मृति में गुण याद कर सकते हैं? साकार की स्मृति में, ये गुण हैं किसके? अरे ये तो पक्का कर लो किसके हैं, निराकार बिंदी के हैं या साकार के गुण हैं? बस वो साकार के अंगों को देखो, निराकारी स्टेज धारण करने वाले के अंगों को देखो और फिर जाओ। इसलिए तुमको इतनी देर बैठाया है। स्यांग जा, सी अंग जा, क्या करो निराकार आकार के अंगों को, जो निराकारी स्टेज में बैठने वाला है उसको देखो तीसरी आंख से और फिर जाओ। देख लिया है तो जाओ, नहीं देखा है तो और माथा मारो। बाबा वो राक्षस लोग शास्त्र में देखा है वो देवताओं से बलवान होते हैं। कौन? हाँ होते ही, वो निराकार को याद करते हैं। बिल्कुल भाई, अद्वैत वाणी में बोला है हाँ। कि निराकार को याद करने वाले क्षिप्रगामी होते हैं, तीव्र पुरुषार्थी होते हैं हाँ। वो तीव्र पुरुषार्थी जो होते हैं वो जल्दी मुक्त हो जाते हैं। तो वो उनको पावर कैसे मिला निराकार से? तुमने शास्त्रों में और टीवी में देखा ना, क्या तपस्या असुर करते हैं या देवताएं करते हैं? असुर करते हैं, ज्यादा तपस्या करते हैं ना। क्यों करते हैं वो ज्यादा तपस्या? क्यों वो ना, क्योंकि वो निराकारी स्टेज में जल्दी टिक जाते हैं, उनको आसान है तपस्या करना। यह हठयोग करना उनको बड़ा आसान है, और देवता है तो वो होगी है क्या? आराम पसंद है, उसे नहीं होता है।
बेसिक में बहुत से पूछते हैं बिंदी को कैसे याद करें, यहाँ भी पूछती है माता उनका पाठ पढ़ाया होगा तो मैंने क्यों पढ़ा, जो ब्रह्मा ने बोला वो क्यों नहीं पढ़ा, ब्रह्मा के बातों को ऐसे तरीके से उन्होंने बताया। और हम क्यों किसी व्यक्ति की बात सुने, जब हमको निराकार आकर के ब्रह्मा में पढ़ा रहा है हम उन बातों पे ध्यान दें या हम व्यक्तियों की बातों पे ध्यान दें कि ब्रह्मा कुमारी क्या कहती है, ये ब्रह्मा कुमार क्या कहता है। नहीं उस टाइम क्लेरिफिकेशन नहीं था ना बाबा, जब हम देखी कुछ तो निराकार को ढूंढने में हमारा टाइम जाता था, आकाश में ढूंढते रहते थे निराकार काम उनसे कोई क्वेश्चन भी पूछो तो क्या कहते ज्यादा मत पूछो, ज्यादा वो मत करो, ज्यादा क्वेश्चन मत करो ऐसे कहते थे, आंसर तो उनको आता नहीं था। चलो हसी अंग और जा चांग जा रखें इनकी परमिशन क्या रखें कि नहीं रखे, और पूछे तो पूछे बोल नहीं रहा है तो रखे ना बाबा से ऐसे मिलन मेला कब तक मनाएंगे बाबा, ऐसे मिलन मेला हाँ हम बस कब तक मनाएंगे, जब तक जीना है तब तक हम बातों का जवाब मुर्गी को दे दिया साकार में बाबा। हाँ साकार में ही जो पिलाने का काम कौन करता है, साकार करता है या निराकार बिंदी ऊपर से ज्ञान ज्ञान अमृत वर्ग पिला रही है, साकार के द्वारा ही पिलाता है। तो जब तक जीना है, जब तक देह अभिमान में जीना है तब तक पीना है। लगता है जब आठ का पार्ट प्रत्यक्ष हो जाएगा, वो अष्टदेव कौन है तब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, अभी लेट का बोर्ड लगा है क्योंकि अष्टदेवों में से दो ही प्रत्यक्ष हुए। अगर तिवारी को क्या बोला, अभी लेट का बोर्ड लगा है, लेट तो हो गए लेकिन टू लेट का बोर्ड अभी भी नहीं लगा है, कब लग जाएगा, जब आज के पार्ट प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। बस नहीं पेट वाला बाबा अभय में जाके ब्रह्मा किशोर बोलती है यहाँ आके पचास पिता के काम में प्रवेश करके फिर ध्यान भी सुनती है। हाँ तो यहाँ निश्चय होके वहाँ जाके बोलती है, तो वहाँ तभी तो जाएगी जब यहाँ से निश्चय होगा, तब अनिश्चय हो जाती है निश्चय हो जाती है, जब तक प्रवेश है संग का रंग ले रही है तो निश्चय आबाद होता है। हाँ और जब वो दूसरे बच्चों और बच्चों में भी तो प्रवेश करती है, तो जब और बच्चों में प्रवेश करती है तो अनिश्चय आएगा या नहीं आएगा, तो ब्रह्मा है ना सबकी अम्मा है ना, तो बच्चों में देखभाल करने के लिए जाता नहीं है क्या, जाता है, तो और बच्चों के संग के रंग में आएगा तो उनका प्रभाव पड़ जाता है, तो अनिश्चय आएगा या निश्चय पक्का होगा, अनिश्चय आएगा, अनिश्चय आता है, बहुत लग जाता है परिवार में, वहाँ जाकर बोलती तो सब बोलती है वहाँ जाके जो बोलती है वो तो बाबा के मुरली को कट नहीं करती है। हाँ क्योंकि याद में रह के बोलती है ना, तो देखते नहीं माँ गुलजार दादी की स्टेज क्या होती है, बिल्कुल लाल होती है एकदम लाल, तो फिर तुम भी लाल हो जाओ यार। उठने का दिल नहीं हो रहा है क्या, बाबा जो भाई लोग अभी जो दो प्रश्न इन लोगों का ऊपर बहुत डाउट है, यहाँ हमने देख लिया इन लोगों को बहुत डाउट है, बहुत डाउट आता है, डाउट इन लोग क्या है आपका आत्मा भाई भगवान सर्वव्यापी एक व्यापी अभी तक इन लोग ने क्लियर अभी तक इनकी बुद्धि हो गई,
और क्या वो परम ब्रह्म, हाँ परम ब्रह्म में भी अब तक क्लियर नहीं, अब तक क्लियर नहीं वो परम ब्रह्म कौन है? दो साल दो ये हमारा सर बारह दो प्रश्न अब तक इन लोग क्लियर नहीं, इनको क्लियर नहीं है, नहीं क्लियर है तो वैसी प्राप्ति होगी, जब ज्ञान क्लियर है तो प्राप्ति दूसरी है, और जब ज्ञान क्लियर ही नहीं है तो प्राप्ति भी क्लियर नहीं, आप तो फायदे में रहे बेसमझ आदमी है ये लोग, कब आएगी समझ तुमको, आ गई कि नहीं आज परम ब्रह्म, ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ इसलिए, अरे क्लियर हुआ कि नहीं परम ब्रह्म क्लियर हो गया, वो तो कह रहे क्लियर हो गया, आप जबरदस्ती उनको नो क्लियर क्यों बना रहे, नो क्लियर काम तो बहुत खराब होता है, सर्वव्यापी और परम ब्रह्म ये दो में थोड़ा डाउट है, अभी भी थोड़ा डाउट है, बाबा ये अभी भाई प्रश्न पूछ रहे थे, जैसे चैंजा में आप बच्चों के लिए सी अंग करने का चांस मिला, हाँ वो कब तक 2012-18 कब तक मिलेगा ऐसे सी अंग का, ऐसे पूरा नहीं मिलेगा तब तक चलेगा, तुमने देख लिया तो बार बार देखने की जरूरत क्या है, देख लिया तो देख लिया, जब तक नहीं देखा है पूरा अज्ञानी है तो देखने का प्रयत्न करते रहे, बाबा ने अगस्तवाणी में कहा जब शक्ति रूप निकलेगी तो सारे कांपेंगे, क्या महाकाली से तो बहुत डरते हैं सब लोग, कितना चिल्लाते हैं माँ 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 करके, बाबा वो एक टाइम आएगा फिर दुबिजा उस टाइम महाकाली हो चाहे माँ गौरी हो कोई भी हो वो तो सभी डूबी जाओ जाएंगे फिर, क्यों अभी जब बेसिक में से निकल के आए तो डूबी जा करके नहीं आए, डूबी जा करके ही तो आए, ऐसे बेसिक में जब है ना तो मामलाओं में वो प्रकाश मिल दादी का एक दिन बहुत था मानवा था तो उनका वो एक दिन उपस्थित होने से कुछ रौनक ही दूसरी हो जाती थी, और हमारा भी उस टाइम बहुत सादा था, जब एडवांस ज्ञान मिला तो बिल्कुल सादा हट गया, ऐसे क्यों सदा हट गया, उनकी सत्ता हट गया हमारी हट गया उनके प्रति अपना सादा हट गया एकदम, हाँ तो आपको अच्छी चीज मिल गई होगी तो वहाँ से दिल हट गया, हाँ जी दुकान पे मिठाइयाँ बिक रही है, हाँ जी और उससे दूसरी दुकान पर उससे भी अच्छी मिठाइयाँ आपको मिल गई, हाँ जी तो पहली वाली दुकान आपको पता लग गया ये गाजरे घी का माल बनाता है, है? है? और डालता है शुद्ध देसी घी का माल, लेकिन है तेल और गाजरे घी दीजिए बढ़िया माल खा लिया तो सद्दा हर हर हटेगी नहीं, सर्दी लगने लगी बस गरम हटाओ Yeah.